हज उमरा और मुकद्दस मुकामात की जियारत के लिए भरोसेमंद नाम अल वाहिद टूर एंड ट्रैवल्स लाया है उमरा पैकेज जो निहायती सहूलत बख्श रहेगा। अपनी सहूलत से रकम जमा करवा कर आप उमरा या बगदाद शरीफ की जियारत कर सकते हैं। दीगर तफसीलात के लिए राब्ता करें 10 साल तजुर्बेकार सैयद सनाउल्लाह यमीनुल कादरी उर्फ वाहिद भाई से। अल वाहिद टूर एंड ट्रैवल्स, फर्स्ट फ्लोर रूबरू जामिया मस्जिद, जेल रोड अंदरून किला रायचूर, फोन नंबर 8867732524। नादरे नादा बेवन टीवी में आप तमाम का खैर मकदम है। आलमी जमीयतुल मशायख शाख जिला रायचूर गुज़िश्ता 19 सालों से कमेटी के सदर हजरत अल्लाह सैयद शाह इनायतुल्ला हुसैनी कादरी कट्टानवास साहब की सदारत में रायचूर जिला भर में मुसलसल कई एक फलाह व बहबूदी के काम करते हुए नजर आ रही है। गुज़िश्ता 19 सालों में कई एक अवामी खिदमात की गई, खुसूस तौर पर आलमी जमीयतुल मशायख शाख जिला रायचूर की जानिब से लड़कियों की इज्तिमाई शादियों का शानदार एहतमाम किया जाता है। शुरुआती दिनों में यानी 19 साल कबल रबी अव्वल में तकरीबन 14 शादियां जमीयत की जानिब से की गई, बाद हजां 12 15 से होते हुए 20 और 40, इस तरह आए दिन इज्तिवाजी जोड़ों की तादाद बढ़ती गई और इनका काम वसी से वसीतर होता गया। लेकिन कोविड के बाद के सालों में 5 या 6 शादियां ही हो रहे हैं, लिहाजा इस कमेटी को तहलील करते हुए इसकी दोबारा तश्कील यानी तश्कील नौ अमल में लाई गई, जो कि 6 नवम्बर को मुनक़िदा एक इजलास में तश्कील दी गई। 6 नवम्बर को मुनक़िदा इस इजलास में इत्तेफाक़ राय से और तमाम अराकीन के इसरार पर सैयद शाह इनायतुल्लाह हुसैनी कट्टानवास को ही दोबारा सदर मुंतखब किया गया और दीगर ओहदों पर दीगर अफराद को मुंतखब किया गया। इस इजलास में यह भी फैसला किया गया कि सबसे पहले खानखाई निज़ाम को एक मरतबा फिर उरूद देने की कोशिश की जाएगी और खानखाई निज़ाम की दरस व तदरीस पर भी जोर दिया गया। गरीबों के साथ ताउन के अलावा बच्चों की तालीम पर खर्च करने पर भी फैसला लिया गया, साथ ही साथ इज्तिमाई शादियाँ करने का भी फैसला लिया गया है। हमेशा से रायचूर शहर के मुखिर हजरात जमीयत का ताउन करते हुए आ रहे हैं। इस कमेटी में ये भी उम्मीद जताई कि आने वाले दिनों में भी वो इसी तरह ताउन करते रहेंगे इंशाअल्लाह। बहरहाल नाज़रीन, आलमी जमीयतुल मशायख शाख ज़िला रायचूर की नई कमेटी इस तरह है। सदर के लिए सैयद शाह इनायतुल्ला हुसैनी कट्टानवास मुंतखब हुए हैं, जबकि नायब सदर के लिए सैयद शाह इस्माइल कादरी सखाफ बंदा नवाजी मुंतखब हुए हैं। इसी तरह सेक्रेटरी के लिए हाफिज़ सैयद शाह मोहम्मद खालिद कादरी शहमीरी मुंतखब हुए हैं और जॉइंट सेक्रेटरी के लिए सैयद शाह समीर हुसैनी बंदा नवाजी मुंतखब हुए हैं। खाजिन के लिए सैयद शाह मोहम्मद पीर कादरी मक्की अलहुदल को मुंतखब किया गया है। अराकी ने आमिला के तौर पर शाह गौस अमीनी, सैयद मोहम्मद अली नुसरत, सैयद रियाज कादरी माशूखी, एसएम एजाज, शाह मजहर हुसैन, शाह अब्दुल रहीम अमीनी, एआर समदानी, जमील अहमद सिद्दीकी मुंतखब हुए हैं। इसी तरह अमादार नवाब अंसारी को मीडिया सेक्रेटरी के तौर पर मुंतखब किया गया है।